Hi Varies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare ki sare link hogi description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain? I'm sorry, mujhe bahut hansi aa rahi hai apne aap ko dekh ke. But abhi ye at least touch wood please. एक वीक तक रहने वाला है. लाइक वी मेंशन्ड यस्टरडे, यस इट वाज अ इन्फेक्शन. आई हैव गॉट कंजक्टिवाइटिस. इट्स वेरी पेनफुल. मतलब ये पूरी आंख सूजी हुई है मेरी. ओके, आई हार्डली कैन ओपन. मुझे एक आंख से इतना ही दिख रहा है. बट शो मस्ट गो ऑन. लाइक आई सेड, इट विल. जितने भी दिन जब तक ये ठीक नहीं होता है तब हम एटलीस्ट नई नई ग्लासेस पहन के आएंगे टू मेक इट लुक डिफरेंट. आई डोंट नो, है भी मेरे पास काफी सारे, सो व्हाई नॉट, आई विल यूज इट. बट या, सो इट्स गोइंग टू बी अ थिंग एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि जितने हो सके उतने वीडियोस कर पाऊं. बट एटलीस्ट एक वीडियो तो आएगा हर रोज. उससे ज्यादा मैं बहुत नहीं बोल सकती, एक या दो, बिकॉज इट्स हर्टिंग. कल दर्द हो रहा था, उससे ज्यादा हर्ट हो रहा है बिकॉज आज तो पूरी आंख सूज गई. मुझे किसने मुक्का मारा है, सीरियसली इट्स लाइक फुल रेड. ओके, सूजा हुआ है. बट दैट्स व्हाट इट इज, सो आई हैड टू गिव दिस TMI. ओके, बट एनीवे, सो हम आज बहुत टाइम के बाद स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं और स्पेशली इनकी स्टैंड अप कॉमेडी. आई मीन वी हैव सीन हिज क्राउड वर्क बिफोर बट बहुत नहीं देखे इनके. रिसेंटली इन्होंने अपलोड किया रजत चौहान स्टैंड अप कॉमेडी अमीरो का एक्सेंट. ओ अगेन, इट्स अ क्राउड वर्क. आई जस्ट सॉ दैट. I think he has one of the best crowd works. मतलब मुझे नहीं याद नहीं है इतना कि if he was also dissing the people who are there, जो हमेशा हस्पिटराज और वसी करते हैं, they do the best. I mean, I'm scared to ever go on their shows क्योंकि भाई मुझे I'm very sensitive towards things like that. But इनकी he's really really attentive and spontaneous. जितना मैंने देखा है तब तक वहां तक crowd work. So I'm excited for this one. Let's go, let's get it. उम्मीद है हर बार की तरह जाएगा, रहेगा और मजा आएगा. अमीरों का एक्सेंट, क्राउड वर्क, लेट्स गो. आई डोंट सी इट्स क्राउड वर्क पहले, बट दैट्स फाइन. आई मीन इट्स स्टिल न्यू एंड फ्रेश एंड समथिंग आई गेस विल एंजॉय. ओके, प्लेइंग. सो फनी. चला लेना. 12:30 बजे 12:00 बजे मेंटेन करो. अरे मैम कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ठीक है, हो गए, अब क्या कर सकते हैं. ओके, कोई बात नहीं. कितने साल के दोनों ये, इफ मैं आस्क? 5 एंड 3. आप ही के दोनों ये? हाँ ठीक है, 5 एंड 3. अच्छा गैप रखा आपने. ये निपानी भी क्या समझेंगे. Don't even look that young. डिस्कस कर रहे हैं ये क्या बात हुई. अभी आपकी हो जाने दो भाई साहब. जब सास प्रेशर बनाएगी ना रात दिन. नो रिजल्ट ऐसे कहता पैसा बन जाएगा. मैम आपकी तो काफी टाइम हो गया शादी को. आई कैन सेंस मैम, आप दिख रहे हो आप कि आपकी शादी हुई होगी. आपके पति ऐसे पकड़ के बैठे हैं आपको. मैं तो बहुत टाइम क्या गुड़गांव में हो सकता है किसके साथ भी. और दो बच्चे हैं आपके. कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, पारिवारिक रहेगा, कोई बात नहीं. मेरे शो में कोई डबल मीनिंग गाली में वैसे भी नहीं देता. मैम इसके सेल निकाल दो ना. व्हेनेवर आई सी किड्स, सॉरी नॉट सॉरी. मैम डू यू आल्सो वर्क? टीचर, लेक्चर. वही हर औरत टीचर ही होती है. सिखाने का बहुत होता है, क्या करें. हर औरत जीवन में लेक्चर ही होती है. तो मेरा आपसे सवाल है, फैमिली सवाल है. व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह गुड मॉर्निंग टीचर लिखते हो क्या? लिखते हो. सर आपकी जिंदगी कैसे चलती होगी? अप मतलब अप लिखते हो आप? मम्मी का था अप क्वेश्चन मार्क. आपका घर अच्छा गज में है. आर यू अप ऐसा. आपने कितने प्लॉट जोड़े हुए हैं? आपने ये जो गुरुग्राम के जयपुर तक जा रहा है वो आप ही का सारा प्लॉट, सारा आपके रह गया सारा. आप तो लेक्चर तो जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे सर आप? अच्छा कंपनी में काम करते हैं, तो आप जाते हो ऑफिस या घर से ही काम कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम.
वर्क फ्रॉम होम धोखा है, ज्यादा काम करवाते हैं तुम लोग, इतने घटिया लोग हो ना। वर्क फ्रॉम होम में उसकी जिंदगी बर्बाद है जो बेचारा मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। अच्छा क्यों? उसका मैनेजर खुद नहीं उसको देख रहा था। तुम लोग इतने घटिया लोगों की मीटिंग ऑन हुई, झाड़ू घर की चालू, बर्तन मान लो बैठ के आराम से। वो बेचारा सब कह रहा है इज एनीथिंग क्लियर टू यू गाइस, आप झाड़ू लगाते लगाते या पढ़ते भी ऐसे ही है ना, लेकिन तुम या वाली ऑडियंस हो भाई जिंदगी में, या कर रहे हो उसके साथ में आराम से बैठ कर, मक्खन लग रहा है, नहा धो के तैयार हो गए आदमी, उसको लगे जा रहा है किसी के इज देयर एनी क्वेश्चन, नो। 15-20 मिनट के बाद उसकी आत्मा अंदर से मर जाती है इतनी कि वो खुद अपने आप में उसका बिलीव मर जाता है, खुद पूछता है एम आई ऑडिबल। ही सो गुड टू आई सेड इट, बताया था मैंने। उसके बाद आप दूसरे को जुड़ा मानते हुए या ऐसे ही बहुत वीडियो जैसे लेके सर ये फालतू का काम कर रहे हो आप। ये देखो सर, आपने चश्मा पहन रखा है, आपकी बेटी ने चश्मा पहन रखा है, ये बहुत सारे चश्मा पहनते हैं, मैं भी चश्मा पहना हुआ है। कब लगा था मैम चश्मा आपको, एट व्हाट एज? मुझे 7th में आया था तो एट व्हाट एज? 12। दिस गर्ल इज एसेंट। ओके एक्सेंट 16। ओके इट्स ओके, दूसरी बार आया ना एक्सेंट वाला। आई कैन टेल यू जैसे आपकी 12th खत्म हो आप सीरी के लिए इंटरव्यू दो। सीरी मेरा सीरी बंदा है, लेकिन आवाज सुनिए आप, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट राइट, ब्यूटीफुल मैम। ये होता है मीरो के बच्चे, देख रहे हो आवाज सुनो आप, देखो अच्छा कर रहे हो मैम, अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो भाई साहब। तुम कभी खेलोगे ना 15-20 प्लॉट तो चलाना पड़ता, तो बोलता मामा। कोई बात, क्या बोलते अपनी मम्मी पापा को? पापा मम्मी, यही होती है। हम सिंपल हो गए यार, देखो मॉम डैड यार, मैन मॉम डैड आई नीड लाइक कैश यार, आई नीड लाइक कैश यार, पापा आई विल यूपीआई बेटा, आर यू अप? आर यू अप? नाइस यार। अरे सर मैम ब्यूटीफुल है मैम, अच्छी बात है मैम, अच्छा लग रहा है जान के ऐसे परिवार भी होता है। हाँ हमने टीवी में देखा था ऐसा परिवार। एक तो मैं गुड़गांव में तीन टांगे देखने नहीं आया था। हैं तीन? तीन हाफ पैंट पहन के आ गए। अच्छा गर्मी बहुत है, मेरी थोड़ी गर्मी है भाई। ये क्या? आई एग्री। आप किसी तैयारी कर रहे हो, आर्मी की कर रहे हो, एनडी की तैयारी, किसी तैयारी कर रहे हो आप? किसी में तो भाई आपकी जॉलाइन नहीं है, ऐसे तो नहीं बनाई आप ये, आपने आपने ये छोले भटूरे खा के तो नहीं बनाई? फुटबॉल तो स्पोर्ट्स में आप बोलो, ठीक है बड़ी बात। आप भी सर, आप कोच लग रहे हैं। हैं प्लेयर एंड कोच? कोच वो कोच तो आपके आपके चेहरे पे जैसे गंभीरता आई है, गंभीरता है। कोई बात नहीं, ठीक है। और पायलट? पायलट प्लेन वाले मतलब क्यों? मैं इस वाले में आऊंगा सर। कौन सी एयरलाइंस? इंडिगो। क्यों क्यों क्यों, व्हाट इज द रेफरेंस? कैसा लग रहा है खुले में बैठ के आज? नहीं नहीं, व्हाट इज द रेफरेंस हियर? मैं लिख के दे रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जिसमें इंडिगो में ना खड़े होकर जाएंगे। अरे यही तो करना है आपको, क्या दिक्कत है, खड़े होकर जाओ ना बस की तरह। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या बनाया आपने यार? अच्छा यार। अच्छा अभी स्टार्ट ही किया आपने, और फुटबॉल भी खेलते हो आप, स्पोर्ट्स कोटा? बच्चा रिच किड्स को नहीं पता होता यार स्पोर्ट्स कोटा, आपको समझ नहीं आएगा ना? एवरीवन नोस स्पोर्ट्स कोटा, तो समझ, कोटा मतलब राजस्थान वाला पढ़ने वाला नहीं, जहाँ पर आई टी प्रोफेशन करने जाते हैं नहीं। आप कोटा फैक्ट्री गुरुग्राम में? नोएडा में एसेंट आ गया। My cousin lives there, nahi, I think. नोएडा में लोग नहीं आ पा रहे हैं। I guess. कहाँ कहाँ भेजा आपने इनको? ये एसेंट तो है आपका, एक टोन है आपका, आप हिंदी बोल पाते हैं? Why is he using the accent? तुम बहुत ही बुरे लोग हो यार। बस आप एक बार बोल दो हमारे लिए, मैं तुमसे दुगना लसगा लगान वसूल पड़ेगी। मैं शो छोड़ दूंगा यहाँ पे बात। आज आज बोल दो आप ये बात लगान।
ये तो भाई प्रोफेसर के बच्चे देख रहे हो, इंग्लिश अलग ही बात कर रहे हैं, हिंदी भी ऐसे बोल रहे टूटी फ्रूटी, बहुत ही बढ़िया टूटी फ्रूटी फ्रेशन जूसी सबसे बढ़िया फ्रूटी मांगा सीमेंट। अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा, कोई बात नहीं। हाँ ब्रदर, आपका भी एसेंट, आप क्या कर रहे हैं वैसे पढ़ाई में? बीटेक करी आपने? बीकॉम ऑनर्स। इसमें ऑनर्स वाली क्या? किस तरह का कोर्स है भाई ये? कोई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कर रहा आपने। इसके बाद आपने फिर किस में जॉब कर रहे हो? जॉब मार्केट एजेंसी, लाइक एड्स बनाने वाला या मार्केट रिसर्च? डिजिटल। डिजिटल मार्केट। तो घर में रहते हो फिर? तो बेसिकली बोलते हैं नोएडा में। सर आप लोग रहते कहाँ? आपके सारे प्लॉट का व्हाट टाइम लगा होगा रे टू दिस ट्रैवल? दिल्ली में जॉब कर रहा है आप? जयपुर तक प्लॉट है, बीच में जो थोड़ा सा जगह बनाया उसमें हमने 500 ठेके बनाए और खुद सब रह रहे हैं। वाओ अमीर वो राज। मैम आपके गले में कोई ऐसी चेन वेन है जो कोई जो का छल के फेंक के मार रहा मेरे ऊपर? मैं तो मुंडी मार दूंगा, सब बेहस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओह माय गॉड, आप लोगों के इतना पैसा है, आर यू अवेयर ऑफ कि 10 का नोट भी आता है? ओह मैन, रिच पीपल आज का भी आता है। ओह मैन, आपने मैम खाना चबाने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं कि मजा क्या है खाने का? ओह मजा मैन, अमीरी गरीबी पीपल है। ओह मैन, ओह मैन, साद कोई बात नहीं, अच्छा करो तुमने जो भी कर रहे हो, सबसे सस्ता नहीं बार यार। कोई बात नहीं। अरे मैं भाई अब क्या टिटियो कहाँ के टिकट काटने आ रहे वो कहाँ है वो पर्ची छिपे छेद करने वाला मशीन कहाँ है आपकी? आई लव दैट दो बेटा टिकट। उसका एक्ट तो समझ में नहीं आ रही थी, जस्ट लाइक डूइंग इट फॉर द बस। मैं बताना एक एक आज एक बड़ी सी चीज होती है इसमें, बड़ी सी चीज 8-9 टायर्स होते हैं होते बस बस वो ओह थैंक गॉड, इसलिए आपके पापा कहते बाय बाय बेटा। अब अमीर बच्चों को नहीं पता होता तुम लोग दिस गाइस ने जेलस थ्रो सम मनी ऑन दैट सम मनी ऑन सम ऑन मी आल्सो। तुम बहुत बुरे लोग हैं, बता सामान फटाफट बताओ। मैंने कौन सा रूट है आपका? अच्छा इनका जो फैनी पैक पहना हुआ है उन्होंने, इसीलिए कम दिख रहा है, बट लाइक लगने लगा कुछ जब टिकट काट के भी बस लास्ट पास नहीं जाएगा जैसे सारे मछलियों को यहीं से लेके चलेगा। चलो आ जाओ, चलो भाई साहब फैनी पैक, दिल्ली दर्शन, दिल्ली दर्शन, दिल्ली दर्शन। भाई क्या करते हैं पेशे से आप, मतलब टिकट काटने के अलावा? आपकी टिकट में लिखा टूरिज्म? नहीं लिखा हुआ, प्लीज प्लीज बता, इफ जस्ट इनलाइटन अस की क्या करते हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। पर वो वाली नहीं कर रहे हो क्या आप? वो BMW की कर रहा है, आप अल्टो की कर रहे हो? यू नेवर नो, यू शुड नेवर जज यू गाइस। आप कोई बात नहीं, अच्छे इंसान हो भाई। आपकी जॉलाइन क्या कर रहे हो आप, हमें भी दिखाओ। बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा मेंटेन करो भाई ऐसी जॉलाइन। मेरी तो अभी आई है बहुत पहले, मैं तो पहले देख रहा हूँ जॉलाइन। मैं तो ट्रिपल चिन हुआ करता था, ट्रिपल चिन मेरा। मैं तो मैकडी पे गया, मैकडी वाले ने बोला भैया बर्गर, मैंने कहा एक्स्ट्रा चीज तो पूछो, कह रहा आपको नहीं जरूरत। दैट्स सो मीन। मेरे को बोला वो आके भाई, एक तो पता जिस तरह की मेरी लुक हो गई है उसमें पता क्या डिसएडवांटेज है, ये लड़कियां समझती हैं लड़कों को, बहुत सूंघ लेती हैं, सूंघ लेती है। इस शक्ति को ना अंडर एस्टिमेट किया हमने इन लड़कियों का ना, इनको पता होता है वो लड़के नहीं दिखते आप मेट्रो में जाते हो, आप एक लड़के को देखते हो जिसको आप देखते हो कि ये सीट दे ही देगा। पार्टी के बाहर खड़े होते पार्टी एकदम से किसी लड़के को बोलती हो कि इफ यू डोंट माइंड हमारी सेल्फी खींच दोगे फोटो ग्रुप फोटो, मैं वो हूँ। कल तो लड़की ने डोंट माइंड भी नहीं बोला, कह रहा खींचो खींचो। ये हालत हो गई जिंदगी में, रोड पे लड़ाई होती है, दो के बीच में लड़ाई होती है, और अभी देखने में तो हमें सबको मजा आता है। देखो आप समझ तो फील तो वही है, मैं लड़ाई एंजॉय कर रहा हूँ एकदम से, कह रहे भाई साहब आपने देखा? मैंने कहा हाँ मैंने देखा। आपने भी देखा ना भाई साहब, मुझे अंपायर बना दिया। मैं तो फटाफट कपड़ा निकाला, आंखों में बांधा, मैंने तराजू लिया, मैंने कहा बताओ बताओ अब मैं सॉल्व करूंगा, बताओ मैं हूँ इंसाफ का तराजू भाई साहब। बेटा तराजू तराजू पता तराजू तराजू
नहीं पढ़ता. वाओ ही दी स्पीकिंग पीपल आल्सो डोंट नो सो सी हम गुड यूज़ को ना पता सम बट आई नो. ठीक है अगर आप कभी आप मार्केट से सामान लेने गए हो 1 kg 2 kg या ऐसा यूनिट में लेने जाते हो सामान आप कभी आप सामान लेने गए हो मार्केट में कहीं और कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ओके लाइक फ्रूट्स लीटर्स में आते हैं केजीज में आते हैं है फ्रूट्स केजी में आते हैं लीटर फ्रूट्स वेल ब्यूटीफुल ओह माय गॉड क्या क्या इनको लगता था मैं आंसर ही नहीं पाओगे तुम. हां तो जिस पे वो तौलते हैं तौलते हैं तौलना तौलते हैं हाथ में उठा के नहीं तौलते हैं वाओ गाइस थैंक यू फॉर क्लैपिंग ऐसे देखते देख वो एंड कौन सा भारी होता तो नहीं लेते कौन सा ज्यादा वेट होता तो नहीं लेते नहीं देते लेते लेते देने क्यों आप काम बेचने थोड़ी यार तो उन मरीज थोड़े रख के होते हैं मेरा वेट समान सा है चेन फेंकनी आप मैं ऐसे कैच मैं कर लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1 tola 2 tola 5 tola कोई टेंशन नहीं यू हैव टू सी मैग्नेट है कि नहीं मुझे क्या होगा आपकी बॉडी का थोड़ी सी बस क्या होगा देखिए ठीक है मैम अपने चूड़ा अच्छा आपकी शादी हुई है आपका बच्चा नहीं मुझे लगा आप चूड़ा पहन के एकदम बच्चा कैसे हो मैंने कहा आलिया भट्ट तो नहीं हो आप ओके यू कांट सी माय आईज बट आई एम एक्सप्रेसिंग इट क्या नाम रखे आपने इन दोनों के मतलब जियांश एंड अमाया जियांश एंड अमाया बहुत ही प्यारा नाम है बेटा बड़ा है ओके जियांश और इनका नाम अमायरा अमायरा का मतलब कितने बी एच के हैं आपके पास नहीं हो तो भी नाम रख सकते ऐसे बेटा आपका नाम क्या राजमाता क्या राजमाता मैं इंतजार कर रहा हूँ चेन कब फेंकी गई औरत मैं मेरा कोई मन ही नहीं है शौक में मैं कभी ऐसा मन में आ जाएगा तो और मैं चेन ले लूँ करना पड़ता है आप समझ धंधा है तुम्हारा देखो सर सर आप ही आप अंगूठी फेंक सकते हो कोई दिक्कत नहीं मुझे मैं इसे पहन लूंगा नहीं है कि मैं अपना मैनेज कर लूंगा देखो क्या बात है बेटा ठीक है आप बेटा आपका नाम क्या है शाइना देख रहे हो कितने फैन मिले आपको जिंदगी में कभी ये घर जाएंगे पागल हो जाएंगे कह रहे भाई अमीर लड़की देखी मैंने जिंदगी में ये पागल है भाई इनके सपनों में इनका सपना था यार दिल्ली आके गुड़गांव आके अमीर लड़की देखे आज देखा इन्होंने देख रहे हो सपना सफल हो गया कि जीवन सफल हो गया बताओ आपके कोई दिक्कत नहीं अच्छा कर रहे हो ब्रदर आप क्या कर रहे हो आप बच्चे में बस इतना लड़के ना मतलब माँ बाप के सपनों पर हंसते ही हैं इट्स ओवर Oh man, it was so good. It was so good. Like we said in the beginning, मुझे पता है मैंने एक दो देखे उनके और मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो दो हमने काफ़ी होंगे जो नहीं किए हो बट रिकमेंडेशन नहीं था ऐसा कोई कॉमेंट नहीं आई थी बट ये रिसेंट आया एंड ऑल्सो वी डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू आई वॉज थिंकिंग मैं एक वीडियो करूँ सिर्फ बिकॉज इट्स पेनिंग बट ये आया तो फिर मुझे लगा आई शुड डू दैट ये हंस देंगे थोड़ा तो थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा पूरा दिन घर पे बैठना है कुछ करना नहीं है आई हैव टू कीप डूइंग लाइक रेमेडीज होम रेमेडीज जो भी है तो दिमाग थोड़ा हट गया है तो दिस डेफिनेटली हेल्प मी सो मच दिस वॉज वर्थ इट बहुत अच्छा किया मैंने कि हमने देखा आई एन्जॉयड इट आई ट्रूली ट्रूली एन्जॉयड इट कुछ जेस्टर्स उनके फॉर सम रीजन वॉज रिमाइंडिंग मी ऑफ जाकिर खान टूडे आई हैव नो आइडिया व्हाई मुझे याद नहीं है इनके देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें एक दो महीने तो हो ही गए उससे ज़्यादा हुआ होगा सो मुझे नहीं याद है इफ़ ही वॉज हैविंग दिस सिमिलर जेस्टर्स लेकिन एक दो जेस्टर्स तो डेफिनेटली जाकिर खान का याद दिला दी मुझे बट वी लव बोथ वी एन्जॉय हिम एज वेल वी एन्जॉय दिस एज वेल सो आई एम ग्लैड वी डिड दिस And I hope you did too. और जो मैंने आगे का इतना लंबा चौड़ा इंट्रो दिया वो आई थिंक जब तक मेरे चश्मे नहीं उतरेंगे तब तक मुझे देना पड़ेगा बिकॉज आप मुझे हर रोज़ देखते हैं कुछ लोग जो देखते होंगे कुछ लोग जो नए आते हैं उनके लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि मैं क्यों चश्मे लगा के बैठी हूँ राइट सो प्लीज़ सहन कर लेना और मेरी आंखों से कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा बट दिस इज वॉट वी कैन डू The max what I can do and I love coming here with you guys so yeah anyway I hope you enjoyed I will see you guys next time bye berries love you